नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल गया इतना बहुत है मेरा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हैप्पी होली आप सभी को। रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये रंग ऐसे ही बने रहे। तो आज है होली और सभी के यहाँ मना रहे होंगे, क्योंकि आज तो सभी खेलते हैं अधिकतर, और हम भी खेलेंगे। अभी तो खैर ऐसे ही बैठे हैं, और बच्चे हमारे ऊपर लगे हुए हैं। 8 बजे चले गए थे और बज गए हैं 10। 2 घंटे हो गए उनको खेलते हुए, और वे आज सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे। 6 बजे कभी नहीं उठते बिल्कुल भी। 8 बजे भी मुश्किल से उठाती हूँ, लेकिन आज मैं 6 बजे उठ कर बैठ गए थे खेलने के चक्कर में। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको आज बच्चों का खेल। अभी ऊपर लगे हुए हैं, मैं भी जाती हूँ वहाँ पर। अभी तक मैं नहीं गई ऊपर। आप तो गए थे? मैं दूर से ही आ गया था, कभी कलर गए थे। कभी कलर गए डर के भाग गया। पहले बच्चों के साथ थोड़ी सी होली खेलेंगे, और फिर अपना खाने पीने का सामान बनाएंगे। खाने में बनाएंगे पकौड़ी। वैसे तो मुझे चाट भी बनाना था, लेकिन मैं ज्यादा थक जाऊंगी मुझे पता है, तो पकौड़ी बना लूंगी। तो उसकी मैं तैयारी करूंगी आकर। पहले थोड़ा सा ऊपर जाके खेल लेते हैं, अपना मनोरंजन करेंगे, फिर काम पे लगेंगे, है ना। चलो फिर चलते हैं। चलो मैं भी आऊं? नहीं, आप क्यों आओ, आप यहीं बैठ जाओ। अरे मैं क्या करूंगा, खेल। देखिए बच्चों का हाल, ये सुबह से लगे हुए किस टाइम से 8 बजे आ गए थे ऊपर। हाँ ये देख लो, कोई नहीं, अभी तक जब तक चढ़ा होगा छत पे, जब तक इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। सारे के सारे बिल्कुल गिल्ले कर लिए कपड़े ही। कहा था मुझे कपड़े गिल्ले मत करी ना। पानी मत गिराना मेरे ऊपर, कलर लगा दो बस आराम से। नहीं बेटे, मुझे काम भी करना। फिर यहाँ हम बच्चों के साथ होली खेलने लगे हैं, क्योंकि बच्चे सुबह से परेशान हो रहे थे, मम्मा आ जाओ, पापा आ जाओ, होली खेलेंगे। क्योंकि बच्चों को होता ही है कि हम मम्मा पापा के साथ भी खेलेंगे। तो यहाँ हमने दोनों ने और बच्चों ने, चारों ने, तो सबने मिलकर खेली है होली। और यह पूरी मस्ती में थे बच्चे, सुबह से 8 बजे से खेल रहे थे, और अब तक ये थक चुके थे 10 बजे तक पूरे। और सारे कलर बैलून वगैरह इन्होंने सब कर दिए थे ख़त्म। जब तक सब खेलने लगे, इन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया था। फिर होली ऊपर बच्चों के साथ खेलने के बाद हम लग गए हैं अपनी तैयारी करने में। हमें बनानी है पकौड़ी, तो इसके लिए हम पालक साफ कर रहे हैं दोनों। ये भी बैठ गए मेरे साथ करने, और जब हम पालक साफ कर रहे थे तो ये भी आ गए, इंदु भैया और कृष्णा, क्योंकि बच्चे दोनों गुड़िया तो यहीं पर ही थी, पीयू और रुई ये थे वहाँ पर। ये भी आ गए हैं, और इनके साथ भी हमने फिर होली खेली है। आपस में सबने एक दूसरे को कलर लगाया है। यहाँ सबने लगा दिया है एक दूसरे को कलर, और देखिए बच्चे कैसे भूत बने फिर रहे हैं पूरे। सबने अपने मास्क और ये जो बाल वगैरह से ला रखे थे सबने पहन लिए। और कृष्णा सबसे डर रहा था, वो जिसको भी देख रहा था लगाते हुए तो उससे ही डर के भाग लेता था। तैयार कर लिया, परिवार की सामग्री भी सारी तैयार है। क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो या फिर फंक्शन हो कुछ भी, तो वो बिना फैमिली के नहीं होता। पूरी तो यहाँ पर नहीं है हमारी, लेकिन जितनी भी है इतनी हम इकट्ठी होकर सारे सेलिब्रेट कर लेते हैं एक जगह। तो सब आगे, अब हम अपने काम पे लग गए। यहाँ सारे भूत प्रेत बैठे, सारे अलग अलग है। कोई भूत है, कोई प्रेत है, या क्या है। और माना बाबू हेलो करो, हैप्पी होली बोल दो सबको। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो पकौड़ी की जो सामग्री थी वो मैंने सारी तैयार कर ली, और अब फिर ये सामने रहती है हमारे। ये भी बोलने लगी आ गई अंदर कि दीदी आ जाओ बाहर खेल लेंगे। वैसे हम कभी नहीं खेलते बाहर, फर्स्ट टाइम हमने खेला है, क्योंकि ये कहने लगी आ जाओ दीदी खेल लेंगे। तो ये हम भी दोनों बहनें चले गए बाहर खेलने गली में।
सामने ही, मतलब सामने इनका गेट है और हमारा आमने सामने ही है, तो गली में ही हमने खेल लिया। अंदर इसलिए नहीं क्योंकि फर्श है, गिर जाएंगे, गीला होता है। और यहाँ सब ने खूब मस्ती की है, एक दूसरे के ऊपर कलर भी लगाया और पानी भी डाला सब ने मिलकर। ये मैं गिर भी गई हूँ यहाँ पर, मुझे पूरा पानी में भिगो दिया था इन्होंने पानी डालकर। तो यहाँ हम सब की चल रही है पूरी मस्ती होली की। एक पानी के ऊपर हमारी लड़ाई बज रही है, एक दूसरे के ऊपर डालने में लड़ाई क्या, खेल रहे हैं हम एक दूसरे के ऊपर पानी डाल डाल के। अब कलर तो कोई लगाता नहीं, बस पानी डालना शुरू कर देते हैं। और बच्चे भी हमें देख रहे हैं सारे खड़े होके, बच्चे सोच रहे हैं आज मम्मा यार पता नहीं क्यों परेशान हो रही, क्या कर रही। तो हम आ गए थे होली खेलकर, फिर हम नहाए हैं दोनों क्योंकि कपड़े सारे गीले हो गए थे। और फिर आकर बनाई है पकौड़ी। ये मैं पकौड़ी का जो पेस्ट है वो घोल तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने बेसन, आलू, प्याज सब डाल लिए हैं और ये इनका घोल तैयार कर लिया। और काफ़ी सारी पकौड़ी बनाई थी क्योंकि फिर आ भी जाते हैं जो, मतलब आते हैं रंग लगाने के लिए इनके दोस्त वगैरह या कोई भी, तो फिर सबको देते हैं, इसलिए काफ़ी सारी मैंने बना ली थी पकौड़ी। तो यहाँ पहले मैंने बनाई है, फिर भैया लग गए, भैया कहने लगे लाओ मैं बना देता हूँ। तो ऐसे ही मिलजुल कर सबने बना ली है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मैं अभी थक गई थी। और ये देखिए इंदु का भूत सवार इसको ये एक, पांच बच्चे तो पहले ही हैं हमारे घर में, ये छठा बच्चा है हमारे घर का। इसको ऐसे ही ये मौज मस्ती करने में बहुत मजा आता है इसको, ये ऐसे ऐसे काम ही करती रहती है। इसको भूत चढ़ रहा है, ये लगी हुई है अपने डांस करने में, बच्चों को एंटरटेन करवा। बताओ गुब्बारे ऐसा कौन कौन खेलता था, कैसे कैसे खेलते थे, कहाँ कहाँ हमारे गुब्बारे, दिल पे है, दिल पे लगे थे वो, तेरे कहाँ लगे गुब्बारे, दिल के गुब्बारे फोड़ दिए। अरे ये सुन यार, वो क्यों रही, ओ इसके तो पत्थरी पे ही मार दिया, मार दिया इसके तो पत्थरी तोड़ दी उसने, यीशु की पत्थरी पे गुब्बारा मार दिया तो पुंडकी में तो ठीक है, फट के और बिना डॉक्टर के मर गया, कल देख के सुबह ही कट जाएगी, बिना डॉक्टर की दवा भी लगी तो ज्यादा। अरे रोई का कहां लगी, रोई का सीने पर लगी आ गई क्या, रोई की पसलियों पर लगा, ऊपर क्या खा ले आप, अंदर क्या खा ले आप, पकौड़ी, तो पकौड़ी हमारी सारी बन गई है और जो आए थे सबको हमने दे दी है, खिला दी है सबको। और लास्ट में हम चारों बैठ गए हैं, बच्चों ने भी खा लिया है, यहाँ हमारी पार्टी चल रही है। यह है, हमने कोल्ड ड्रिंक लिया फ्रूटी और पकौड़ी, जिसे दही के साथ खानी है, दही सॉस वगैरह सब ले रखा है, जो जिसके साथ जिसको पसंद है वो उसी के साथ खा रहा है। तो यहाँ हम सबकी पार्टी चल रही है, मिलजुल कर ऐसे करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम फैमिली के जितने भी हैं तो सब आपस में बैठकर इस तरह करते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, सब मिलजुल कर इस तरह रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा आज का दिन रहा, मतलब होली का जो त्यौहार मनाया हमने इसी तरीके से मनाया है। और आप कैसे मनाते हैं ये भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसे ही करते हैं या किसी और तरीके से।
तो दोस्तों मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।